Hello friends, welcome to my channel. This is me, Ranjit. I'm your arts trainer. So in this video you are going to look at some most important or most useful idioms, okay, jo aap apni arts speaking mein use kar sakte ho aur apni daily conversation mein bhi use kar sakte ho. I assure you this video will be worth watching for you, okay. You must watch this video. And now the question is, why should you use idioms in your arts speaking? Okay, actually if you use idioms in your IELTS speaking cue card, these idioms help you speak more like a native speaker or make your English more stronger. I mean to say more effective or more interesting. Okay, it doesn't mean कि आपको बहुत सारे idioms use करने, कुछ common idioms होते हैं वो आप अपनी IELTS speaking में use कर सकते हो. ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई है idioms के ऊपर. अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस idioms और नाउ लेट्स हैव लुक एट वेरी फर्स्ट वन, दैट इज काउच पोटैटो. ओके, काउच पोटैटो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अ पर्सन हु टेक्स नो फिजिकल एक्सरसाइज बट वॉच टीवी अलॉट. एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी देखता है और एक भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? काउच पोटैटो. ओके, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. और फर्स्ट एग्जांपल इज, इन दिस मॉडर्न सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिकमिंग काउच पोटैटो. इस मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादातर लोग क्या बन रहे हैं? काउच पोटैटो. ओके, और अनदर वन इज, माई फ्रेंड इज सच अ काउच पोटैटो. मेरा फ्रेंड जो है वो एक काउच पोटैटो है. ओके, और अनदर एग्जाम्पल इज, डोंट बी काउच पोटैटो, गो आउट एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटीज. ओके, नाउ आई हैव टोल्ड यू 3 एग्जाम्पल्स, आई होप यू गॉट इट. और नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज फुल ऑफ बीन्स. ओके, फुल ऑफ बीन्स, इट मीन्स वेरी एक्टिव, अ पर्सन हु इज वेरी एक्टिव, लाइवली और एंथुजियास्टिक. आप कह सकते हो, माई मदर इज फुल ऑफ बीन्स, I am full of beans. My friend is full of beans. Okay. Next example is, my grandfather always seems to be full of beans. और next आप कह सकते हो, अपने बारे में कह सकते हो, किसी अपने teacher के बारे में कह सकते हो, किसी भी person के बारे में कह सकते हो. Okay. If he is very active, lively or enthusiastic. I hope you got it. Or now let's move on to the next one. Or next is around the clock. ओके, अराउंड द क्लॉक, इट मीन्स 24 आवर्स ऑफ द डे, इट मीन्स 24 घंटे. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. और फर्स्ट एग्जांपल इज, दिस बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स अराउंड द क्लॉक. ये बैंक जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को अराउंड द क्लॉक, इट मीन्स 24 घंटे खुला होता है. ओके, दिस शॉप रिमेन्स ओपन अराउंड द क्लॉक. ये शॉप जो है वो 24 घंटे खुली रहती है. ओके, और द नेक्स्ट वन इज, दिस रेस्टोरेंट इज सेड टू बी ओपन अराउंड द क्लॉक. ये रेस्टोरेंट के बारे में कहा जाता है कि ये ओपन रहता है अराउंड द क्लॉक, इट मीन्स 24 आवर्स ऑफ द डे. और लास्ट वन इज, आई स्टडीड अराउंड द क्लॉक एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन माई आईएल्स. इट मीन्स मैंने 24 घंटे स्टडी की और मैंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए. ओके, आई होप यू गॉट इट. और नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. और नेक्स्ट इज विद फ्लाइंग कलर्स. ओके, विद फ्लाइंग कलर्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स विद ग्रेट सक्सेस, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से वेरी सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, बहुत ही सफलतापूर्वक. और नाउ लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स. और फर्स्ट एग्जाम्पल इज, आई पास माई एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स. मैंने अपना एग्जाम पास किया बहुत ही सफलतापूर्वक, इट मीन्स विद ग्रेट सक्सेस. ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ऑन माई ब्रदर्स वेडिंग आई हैव परफॉर्म्ड और आई हैव फुलफिल्ड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद फ्लाइंग कलर्स. मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया विद ग्रेट सक्सेस, सफलतापूर्वक. वहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो? विद फ्लाइंग कलर्स. कोई भी काम है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी टास्क, एनी प्लान, ओके, एनी एग्जाम जो आपने सफलतापूर्वक किया, ओके, वहां पे आप यूज कर सकते हो फ्लाइंग, विद फ्लाइंग कलर्स. आई हैव परफॉर्म दिस टास्क विद फ्लाइंग कलर्स. आई हैव डन दिस वर्क विद फ्लाइंग कलर्स, इट मीन्स सफलतापूर्वक. नाउ मूविंग फर्दर, और लेट्स हैव लुक एट
Next one, our next is in deep water. Okay, in deep water, it means in difficult situation. कोई भी person जब किसी difficult situation में होता है. So first example is my friend helped me when I was in deep water. मेरे friend ने मेरी help की जब मैं deep water में था, जब मैं difficult situation में था. Okay. Our next example is we should always help those people who are in deep water. हमें सदा ही उन लोगों की help करनी चाहिए जो deep water, जो मुश्किल में होते हैं. Okay. और the next one is yesterday my car broke down on the highway and I felt myself in the deep water. Yesterday मेरी कार जो है हाईवे पे चलना बंद कर दिया उसने, तो मैंने अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में महसूस किया. इट मीन्स इन आई फेल्ट माई सेल्फ इन डीप वाटर, इन डिफिकल्ट सिचुएशन. ओके, आई होप यू गॉट इट. और नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. और नेक्स्ट वन इज बर्न अ मिडनाइट ऑयल. ओके, बर्न अ मिडनाइट ऑयल, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स स्टेइंग अप अंटिल लेट नाइट एंड स्टडी और वर्क. ओके, इट मीन्स देर रात तक जाकर स्टडी करना, मेहनत करना और कोई काम करना. ओके, लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स सो दैट यू कैन गेट इट मोर क्लियरली. फर्स्ट एग्जांपल इज ही इज बर्निंग अ मिडनाइट ऑयल बिकॉज हिज एग्जाम इज नियर. बिकॉज उसका एग्जाम नियर है इसलिए वो देर रात तक जाकर स्टडी कर रहा है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट most of the students are in the habit of burning a midnight oil when their exams are near. Most of the students जिनके exams near हैं वो देर रात तक जाकर study करते हैं और मेहनत करते हैं. Okay? Our next example is it is not good to burn a midnight oil because this is not good for our health. Okay? देर रात तक जाकर study करना ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. Okay? So remember this is form of verb or you can change this form of verb according to tense. You can say he's burning, he was burning if you're talking about past, he burns if you're talking about present, or he burnt. Or again I'm telling you these are most important, most useful idioms you can use in your IELTS speaking. Okay, if you want me to make more videos about IELTS, about any topic of English, don't forget to write in the comment box. Please don't forget to subscribe my channel, like my video and share my video. Keep practicing and happy learning. Thank you.